Hello everyone, welcome back to our channel. This is me, Iman, and Mozam. And you are watching Newsviews and Updates. और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं लता मंगेशकर की बायोग्राफी पर और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मिली थी हमें तो मौसम की बहुत फेवरेट है मेरी भी बहुत फेवरेट है क्योंकि बहुत अच्छे सॉन्ग्स उन्होंने गाए हैं और काफ़ी टाइम से गाती भी आ रही हैं तो चलिए पहले देख लेते हैं उनकी वीडियो एंड देन वी विल डिस्कस के हमें कैसा लगा सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही मेरी पहचान है गर याद रहे हम बात कर रहे हैं स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के बारे में हिंदुस्तानी फिल्म संगीत की सबसे पॉपुलर आवाज लता मंगेशकर लग जा गले हीरोइन का नाम हीरो कैसे देख रहे गाना बहुत अच्छा यूं तो लता मंगेशकर जी की आवाज के बारे में जो कहा जाए वो कम है लेकिन कुछ किस्से याद आते हैं जब उन्होंने गाना गाया था ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी और इस गाने को सुनने के बाद पंडित नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे लता मंगेशकर को बचपन में हृदय या हेमा नाम से पुकारा जाता था लेकिन फिर लता उनका नाम रखा गया यूं तो बचपन से ही संगीत की शिक्षा उनके घर में ही शुरू हुई उनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर उन्हें घर में ही संगीत की शिक्षा देते थे और खुद एक ड्रामा कंपनी चलाते थे लेकिन समय के आगे किसकी चली है दीनानाथ मंगेशकर जी के स्वर्गवास के बाद सारी जिम्मेदारी घर की बड़ी बेटी लता मंगेशकर पे आ पड़ी बचपन से ही लता मंगेशकर अपने पिताजी के नाटकों में काम करती थी और इस वजह से उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने का मौका भी मिला लेकिन नन्ही सी लता एक्टिंग नहीं करना चाहती थी उन्हें अपने चेहरे पर मेकअप लगाना बहुत ही खराब लगता था और एक बार शूटिंग से घर वापस आते ही वो जोर जोर से रोई और अपनी आई से कहा माँ मुझे एक्टिंग नहीं करनी मुझे सिर्फ गाना गाना है बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे बच्चे मन के सच्चे गुजरे जमाने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर गुलाम हैदर लता मंगेशकर को अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास ले गए और कहा कि लता की आवाज सुनो एकदम अलग है लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था उस दौर के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने लता मंगेशकर की आवाज को रिजेक्ट कर दिया ये कहा कि इसकी आवाज बहुत पतली है ये फिल्मी गानों के लिए नहीं बनी है वो वक्त था जब मास्टर गुलाम हैदर ने ये कहा कि एक दिन लता की आवाज सर्वोच्च शिखर पर होगी और पूरी दुनिया लता की आवाज के आगे नतमस्तक होगी उस दौर में कही हुई बात आगे जाके सच होगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था जैसा कि कहा जाता है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती लता मंगेशकर भी कोशिश करती रहीं और धीरे धीरे नए उभरते म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला जैसे नौशाद साहब शंकर जयकिशन और फिर तो
पलट के देखने की जरूरत लता मंगेशकर को कभी पड़ी ही नहीं। एक तरफ बड़े बैनर्स लता की आवाज चाहते थे तो दूसरी तरफ बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स सिर्फ लता मंगेशकर के साथ ही काम करना चाहते थे, चाहे वो दादा बर्मन हो या फिर मदन मोहन। लता मंगेशकर की आवाज का सिक्का यूं जमा कि आने वाले तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स अपने पहले गाने के लिए लता मंगेशकर की ही आवाज चाहते थे, जिनमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन का नाम सबसे पहले आता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का तो ये कहना है कि अगर लता मंगेशकर पुरुष की आवाज में गा सकती होती तो वो तमाम गाने लता मंगेशकर से ही गवाते। शास्त्रीय संगीत के उस्तादों को भी लता मंगेशकर की आवाज ने खासा मुतासिर किया। बड़े गुलाम अली खां का तो ये कहना था कि कमबख्त गलती से भी बेसुरा नहीं गाती। संगीत में एक दौर ऐसा था जहाँ पे पुरुष गायकी के लिए ढेर से विकल्प थे, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद, हेमंत कुमार या फिर किशोर कुमार, लेकिन फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में लता मंगेशकर का कोई सानी ना था। मंगेशकर के संगीत के सफर में ये बात भी सामने आई कि उनका झगड़ा बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स के साथ भी हुआ। लता मंगेशकर ने रॉयल्टी का इशू उठाया और ये कहा कि प्रोड्यूसर्स को सिंगर्स को भी रॉयल्टी देनी चाहिए। हालांकि उस दौर के दूसरे सिंगर्स इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन लता मंगेशकर अपनी बात पे अड़ी रही और राज कपूर जैसे बड़े बैनर के लिए भी लता जी ने गाने से मना कर दिया। बदलते जमाने में जहां गायक और गायिकाएं पिछड़ते जा रहे थे, वहीं लता मंगेशकर की आवाज के नए आयाम सबके सामने आ रहे थे। यहां तक कि जो भी नई हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखती उसका पहला गाना लता मंगेशकर से ही गवाया जाता। लता मंगेशकर हिंदुस्तान की वो आवाज हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के ढेर सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, नौशाद साहब हो या फिर शंकर जयकिशन या सचिन देव बर्मन और आर डी बर्मन, मदन मोहन और रोशन साहब की धुनों को कौन भूल सकता है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो या फिर उभरते दौर के म्यूजिक डायरेक्टर्स जतिन ललित और आज के दौर के दिग्गज ए आर रहमान, इन सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ लता मंगेशकर ने पुरजोर काम किया। दुनिया ने लता मंगेशकर को और भी कई नाम दिए, किसी ने कहा आठवां सुर तो किसी ने स्वर सम्राज्ञी,
और प्यार से फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें लता दीदी कहते हैं और भारत सरकार ने भी लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना। All the love from all of us, हम सब उनके fans हैं, she is a legend और उनके गाने जो हैं वो हमेशा यादगार रहेंगे। All our prayers and all our best wishes are with her। हम तो चाहेंगे कि उनका बर्थडे हर रोज मनाया जाए, कि इतनी बड़ी शख्सियत का जन्मदिन साल में एक बार मनाया जाए तो काफ़ी नहीं होता। सो ऑल द बेस्ट फॉर हर, आई थिंक उनके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ईश्वर से दुआ करेंगे। मैं सबसे पहले दीदी को बोलना चाहूँगा, लता जी को, क्योंकि मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया, इसलिए मेरे दिल में उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है और मैं उनको साक्षात सरस्वती, वो तो सरस्वती का अवतार हैं, कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ बहुत बहुत लंबी उम्र दें और भी बहुत स्वस्थ रहें और हम सबको और भी गाना गाकर एंटरटेन करते रहें। वैसे तो लता मंगेशकर जो हैं उनके बारे में हमें रिव्यू या कमेंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया तकरीबन उन्हें जानती हैं, लेकिन अगर बात की जाए उनकी सिंगिंग की, बहुत अच्छी उनकी आवाज़ है, बहुत यूनिक किस्म की आवाज़ रही है शुरू से। किसी भी एक्ट्रेस पे अगर बात करें तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी सूट करती थी। एक्चुअली जब हम किसी ऐसे लेजेंड की बात करते हैं ना, तो मेरा हाल में हम उन पर अपनी ओपिनियन या अपने रिव्यूज नहीं दे रहे होते, हम उनकी जो लाइफ होती है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल और फिर उसके बाद सक्सेस और जो उस टाइम पीरियड के दरमियान उन्होंने फेस की होती चीज़ें, हम उस चीज़ को देखते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो मेरा ख्याल में कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम यहाँ पर लता मंगेशकर की बल्कि आई थिंक हमें बोलेंगे कि मतलब हम अपनी किसी भी बात से ये नहीं कर रहे कि हमें कोई ओपिनियन देनी है उनके बारे में। इट्स लाइक कि हाँ, उनकी जर्नी कैसी रही, तो अगर जैसे शुरू में देखा जाए उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की, हालांकि इतनी अच्छी आवाज होने के बावजूद 1929 में पैदा हुई और वालिद जो थे उनके वो मराठी थे, जो वालदा थी वो गुजराती थी, और काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी उन्हें उस दौरान, क्योंकि 47 तक पार्टीशन तक उन्हें काम ना होने के बराबर मिला, क्योंकि उस ज़माने में जो एक बहुत हिट हीरोइन भी कहें और प्लेबैक सिंगर भी कहें वो नूरजहां जी थी, मैडम नूरजहां। और उनके पाकिस्तान आने के बाद जो है, जो गुलाम अली थे, मास्टर गुलाम अली भी उन्हें कहा जाता है, उन्होंने पहले नूरजहां को इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा। और उनके पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने लता जी को इंट्रोड्यूस कराया था। लता मंगेशकर जी को भी मास्टर गुलाम हैदर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और नूरजहां जी को भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। और पार्टीशन होने के बाद तो नूरजहां जी पाकिस्तान आ गई, लेकिन लता मंगेशकर को जो थे गुलाम हैदर साहब, उन्होंने जब इंट्रोड्यूस कराना चाहा तो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, सॉरी फिल्म डायरेक्टर थे मुखर्जी, उन्होंने कहा था अगर ये मेरी मूवी में गाएंगी तो मेरी मूवी फ्लॉप हो जाएगी क्योंकि इनकी आवाज़ जो है बहुत बारीक है। तो वहाँ पे जो है गुलाम अली जो हैं उन्होंने कहा था कि एक वक्त वो आएगा कि म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो हैं वो इनके कदमों में गिरेंगे कि हमारी मूवी के लिए आप गाने गाएं। तो हम लोगों ने वीडियो में देखा ना, मतलब उसमें बताया था कि उन्होंने ऐसे बोला, फिर वाकई में एक ऐसा टाइम आया कि जब वो रॉयल्टी वाली डिमांड कर रही थी, फिर उस टाइम पर वो अपनी मर्जी से चल रही थी। फिर उसके बाद अगर इनकी लाइफ की बात करें, फिर जब इन्हें फर्स्ट जो है प्लेबैक मिला नौशाद साहब के साथ, तो नौशाद साहब ने इन्हें कहा कि आप अपनी सहेली को याद करके गाना गाएं। तो हाँ हाँ, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग कि पता नहीं किसकी बात कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी उस सहेली को याद करें जो पाकिस्तान चली गई हैं। तो फिर उन्होंने उनके अंदाज में गाना गाया और आहिस्ता आहिस्ता जो लता जी हैं उन्होंने अपना एक
जो है जगह बनाई, एक जगह बनाई, एक टून बनाना, यानी कि अपने एक तर्ज में गाना शुरू कर दिया, अपने तरीके से गाना शुरू कर दिया। और उन्हें जो पहला हिट यानी कि एक सॉन्ग यानी कि गा तो 47 से ही रही थी, लेकिन जो बहुत फेमस हुआ वो महल मूवी का था और मधुबाला पे उसकी पिक्चराइजेशन हुई थी और गाना था आएगा आने वाला। आएगा आने वाला, हाँ। मौज़म को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये आपको पता भी चल रहा होगा क्योंकि मौज़म का, मौज़म को पसंद है ना बेसिकली, नूरजहाँ बहुत पसंद है मौज़म को। वैसे नूरजहाँ के सॉन्ग्स मुझे भी अच्छे लगते हैं, लता जी के तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लाइक हम लोग शुरू से सुनते आए नूरजहाँ के पंजाबी गाने बहुत अच्छे थे। और मुझे एक्चुअली लता जी जो थी वो खुद भी नूरजहाँ की बहुत इज्जत करती थी, बहुत फैन करती थी, वो उन्हें उस्ताद मानती थी। इवन के एक इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक भी कहा हुआ है कि वो मेरी उस्ताद है, मैंने उनसे सीखा है कि उर्दू के जो अल्फाज हैं वो कैसे अदा करने हैं। और एक और मुझे इंसिडेंट याद है लता जी का, मैं देख रहा था उसमें वो कह रही थी, उसमें वो नहीं कह रही थी, बताया हुआ था कि दिलीप कुमार ने एक दफा जो है ना लता मंगेशकर पर कमेंट कर दिया कि आपकी आवाज जो है ना वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्यों? आपकी आवाज में मराठी और गुजराती टच आते हैं। फिर उन्हें बकायदा उर्दू क्लासेस ली। वाह, डेडिकेशन है ना, मतलब उन्होंने फील किया है कि मुझे इस चीज को कम करना है। एनीवेज अगर मैं वीडियो की बात करूं तो उसमें लाइक जिस तरीके से उनकी स्ट्रगल दिखाई हुई है और जैसे उनके घर की वजह से भी उन पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि देखें एक लड़की होने के साथ ही उनको मेकअप करना पसंद नहीं था। नहीं, वो शुरू से बहुत सिंपल रही हैं, बहुत सिंपल रही हैं। अगर मैं मतलब उनकी छोटी बहन आशा जी को देखूँ ना तो मतलब वो थोड़ी सी हैं, मतलब कि वो मेकअप भी करती हैं, और लेकिन लता जी को मैंने कभी भी नहीं देखा कि उन्होंने बहुत हमेशा सिंपल ही देखा है उन्हें, सिंपल देखा। और मेरे हाल में ये बहुत बड़ी बात होती है कि लड़कियां तो पागल होती हैं कभी लेकिन उस टाइम की एक्ट्रेसेस को भी देखा था ना तो बड़ी इनोसेंट लुक देती होती थी, और जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी होती थी, फिर उसके बाद आपके फेस एक्सप्रेशन, आई मीन सब कुछ ही बहुत ज़्यादा सिंपल और मासूम बोलेंगे कि हम बहुत मासूम लोग थे, आजकल लोग मासूम कम लगते हैं। और मेरा ख्याल है 1947 से लेके 2002 तक उन्होंने कोई भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं छोड़ी जिन पे उनका गाना पिक्चराइज ना हुआ हो। लेकिन आई हर्ड कि लता जी ने मतलब प्लेबैक सिंगर के साथ साथ आई गेस म्यूजिशियन का भी, म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया हुआ है, बिल्कुल, ये भी मैंने पढ़ा था। लेकिन अगर हम गाने देखें जैसे कि शाहरुख खान और जिसमें करिश्मा कपूर भी थी और माधुरी दीक्षित भी थी, वो वाले सॉन्ग भी सारे हम तुम्हारे हैं, नहीं वो वाला भी जैसे मैंने कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, वो ये कौन सी मूवी थी, बहुत हिट थी दिल तो पागल है, हाँ दिल तो पागल है, इसके सारे सॉन्ग थे ना वो भी बहुत अच्छे थे, वो भी गाए। फिर और भी मतलब काफी लेटेस्ट सॉन्ग थे जो गाए, फिर उसके बाद कभी खुशी कभी गम के उन्होंने गाने गए, वो भी बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद रंग दे बसंती में उनका एक गाना है, लुका छुपी बहुत हुई, लुका छुपी, हाँ वो भी उनका गाना बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हम आपके हैं कौन के गाने बहुत अच्छे हैं, फिर मैंने प्यार क्यों किया, क्यों किया, मैंने नहीं किया वो फिल्म का नाम बता रहा हूँ। फिर उसके बाद एक और मूवी थी सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें उन्होंने भजन ही गाए हुए लेकिन बहुत मुश्किल है, ये उसके उनके तो नहीं है, जीनत इमान, हाँ जीनत इमान के। अच्छा और एक वो वाला भी गाना थिंक कबूतर जा जा, तो ये उसी के है ना, मैंने प्यार किया क्यों किया, मैंने प्यार किया है, मैंने प्यार क्यों किया नहीं है, मैंने प्यार किया, हाँ पुरानी जो मूवी थी, हाँ लेकिन उसका मुझे वाला सॉन्ग बड़ा अच्छा लगता था, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, बहुत मुझे छोटे थे बहुत मजा आता था देखते हुए ना, है ना। हाँ और भी बहुत उनके गाने, लग जा गले भी बहुत अच्छा गाना है, इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर हम नाम लेना चाहें ना तो हमें याद नहीं आएंगे। लेकिन ओवरऑल थैंक यू सो मच कि हमें इतनी अच्छी वीडियो सजेस्ट की, और आज के बारे में मुझे कुछ इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था इसलिए मैं बहुत कम बोली हूँ, बहुत नहीं नहीं कोई बात नहीं, होता रहता कभी कभी मुझे आइडिया नहीं था, कभी कभी नहीं आइडिया नहीं था। लेकिन जो दो सिंगर्स हैं हमारे एशिया में यानी कि पाकिस्तान इंडिया में, एक नूरजहाँ और एक लता मंगेशकर जी, ये दोनों ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने यानी कि जब तक इनमें रही है इन्होंने गाने गाए हैं, मतलब जब तक जिंदा रहे हैं तब तक इन्होंने गाने गाए। जैसे कि मैडम नूरजहाँ की बात करें
तो वैसे मुझे उनके कपड़े और ज्वेलरी और मेकअप सब कुछ बहुत बहुत पसंद था ऑनेस्टली क्योंकि टीवी पर जब एक दोपहर की ट्रांसमिशन लगती थी जब हम छोटे थे तो स्पेशल ट्रांसमिशन तो सबसे पहले उनके गाने शाने लगा करते थे तो मैं तो उनके कपड़े और मेकअप देखने के लिए बस उनको सुनती होती थी और देखती होती थी हाँ लेकिन नो डाउट ये चीज है मेरे ख्याल में अब आकर शायद गाना बंद हो गई है कि अभी भी गा रही है काफी देर हो गई मैंने सुना नहीं इनका कोई गाना नहीं सुना हम लोगों ने ना सुना हाँ मैं भी हमने ना सुना हो लेकिन इन दोनों ने तकरीबन कोई 60 यानी कि मैडम जी जो है मैडम नूरजहां जी उन्होंने तो 60 इयर्स पाकिस्तानी इंडस्ट्री पर और गाने हुकूमत की है 30,000 प्लस और अगर लता जी की बात करें तो उन्होंने भी तकरीबन इसके आसपास ही गाने गाए हैं और जैसे हाँ 30,000 से इनके ज़्यादा होंगे प्लस होंगे या तकरीबन जहाँ को इस दुनिया से गए कितना टाइम हो गया 18 साल तो 18 और अगर बात करें तो जैसे लता मंगेशकर जी हैं कि इनके बगैर कोई मूवी नहीं चल सकती कोई गाना नहीं चल सकता ऐसे ही पाकिस्तान में नूरजहां थी कि इनके बगैर कोई मूवी या कोई गाना नहीं चल सकता तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो होपफुली आपको अच्छी लगेगी और इसी के साथ हमें इजाज़त और हमारे अपनी दुआओं में याद लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कुछ दिन पहले लता जी की बर्थडे थी तो मैंने कहा थोड़ा हैप्पी बर्थडे हाँ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे और इसी के साथ हमें इजाज़त रखी मैं अपनी दुआ में याद हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब हमारी वीडियो को करें लाइक शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स टिल देन गुड बाय वैसे एक बात है मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने के बाद मैडम नूरजहां जी को भी सर्च करेंगे आई थिंक बहुत सारे लोग जानते हैं नहीं मैंने वैसे देखे ज्यादातर नहीं जानते अच्छा बहुत कम जानते लेकिन बहुत ज्यादा सर्च करेंगे गुड बाय